नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे चैनल इंडियन ट्रेन की जानकारी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज जो नई ट्रेन जानकारी है वह है टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस। इस ट्रेन की जानकारी देने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस का गाड़ी नंबर 18189 है। यह गाड़ी टाटा नगर जंक्शन से एर्नाकुलम जंक्शन के बीच में रोजाना चलती है। टाटा नगर जंक्शन से एर्नाकुलम जंक्शन के बीच की दूरी 2297 किलोमीटर है। यह गाड़ी इस दूरी को 44 घंटा 40 मिनट में पूरा करती है। इस गाड़ी का एवरेज स्पीड 51 किलोमीटर पर घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर घंटा है। इस गाड़ी में LHB कोच लगी हुई है। इस गाड़ी की पहली सेवा 28 जनवरी 2021 को आरंभ हुई थी। इस गाड़ी को साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑपरेट करती है। यह गाड़ी टाटा नगर जंक्शन से चलकर राहुल किला, झारसुगुंडा जंक्शन, सब्बलपुर, टिटलागढ़, रायगढ़, विजयनगरम जंक्शन, विजयवाड़ा जंक्शन, पेलम्बूर, काटपट्टी जंक्शन, जल्लारपेट, ईरोड जंक्शन होते हुए एर्नाकुलम को जाती है। इसके तकरीबन 49 हल्ट है। यह गाड़ी टाटा नगर जंक्शन से सुबह 5:15 पर 2 नंबर प्लेटफार्म से चलती है और एर्नाकुलम जंक्शन को दूसरे रात 1:55 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। इस गाड़ी में कोच की बात करें तो इसमें सेकेंड AC, थर्ड AC, थर्ड इकोनॉमिक क्लास, स्लीपर क्लास, जनरल के कोचेज हैं। साथ में खाने पीने की सुविधा के लिए पेंट्री कार भी है। इस गाड़ी के टिकट किराए की बात करें जो कि टाटा नगर जंक्शन से एर्नाकुलम जंक्शन तक का है, सेकेंड AC 3,120 रुपया, थर्ड AC 2,135 रुपया, थर्ड इकोनॉमिक क्लास 2,030 रुपया, स्लीपर क्लास 810, जनरल 440 के करीब है। इस गाड़ी का सटीक टिकट किराया जानने के लिए रेलवे के काउंटर में आप लोग जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस की जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप और भी किसी ट्रेन की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।